अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के समय देश भर के साथ साथ नौगांव वासियों ने भी शंखनाद, घंटा आदि बजाकर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करते हुए अपने आनंद का इजहार किया। शहर के चारों ओर राम राम अंकित लहरा रहे भगवा ध्वज का नजारा आज अपने आप में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वायुदेव अपने मंद मंद शीतल बयार बहाकर भगवा ध्वज को लहराते हुए राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन का साक्षी बन अपने प्रभु राम के स्वागत में अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो। शहर के प्राय इलाके में भूमि पूजन के समय जय श्री राम का नारा लगाया गया तो कहीं कहीं लोग अपने इलाकों में बड़े पर्दों का स्क्रीन लगाकर भूमि पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का लाइव आनंद लिया। नौगांव के ऐतिहासिक श्री श्री कृष्णा श्रम शिव मंदिर प्रांगण में इस खुशी के पल पर पगला समाज ने 501 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई भी उपस्थित होकर राम जन्मभूमि पूजन का भरपूर आनंद उठाए। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाए, पूरा वातावरण को राममय कर दिया। नौगांव से अजय महतो की रिपोर्ट। वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बताते चले कि पूर्व रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई जी का जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया, जब यहां नामो निशान नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पैर रोप कर उन्होंने जिस प्रकार से इस वृक्ष को बड़ा किया, आज उन्हीं का अवदान है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का भूमि पूजन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। यह शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पर नगांव में भी एक खुशी का जश्न है। नगांव में भी राम भक्त ने दीपोत्सव मना रहे हैं। हर जगह दीपावली मन रही है। विजय के उत्सव के दीप जलाए जा रहे हैं। जय श्री राम अंकित नारे लिखकर दीप जलाए जा रहे हैं। ऐसे अवसर में श्री श्री कृष्णाश्रम शिव मंदिर प्रांगण में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ है। ये दीपोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच पूर्व केंद्रीय पूर्व राज्य मंत्री राजन गोहाई जी उपस्थित होकर हम सभी का गौरव को बढ़ाया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि राम भक्ति ही अनुपसने हूँ, राम भक्ति ही मेरा जीवन का आधार है, राम के बिना मैं भी नहीं हूँ, राम के लिए मेरा प्राण न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे मनोभावनाओं के साथ राजन गोहाई जी उपस्थित हैं। आइए, इस पवित्र धरा पर आपने आज का आपका आगमन और राम मंदिर के निर्माण के लिए आपका विचार हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, आज सारा देश में आनंद का लहर चल रहा है। जिस तरह से सारा देश में आनंद का लहर चल रहा है, उसी तरह से आज आसाम में भी ये आनंद का लहर, यहाँ में भी आनंद का लहर चल रहा है। इससे 500 साल का अधिक जो हम लोग ने इंतज़ार किया था, उसका आज समाधान हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस राम मंदिर का शिलान्यास करके आज जो एक न एक परिवर्तन का धो लाया, उससे सारा देश भविष्य का भविष्य में एक परिवर्तन का दिशा में गति कर रहा है, ये निश्चित बात है। और असम में भी इसका दीपावली जैसा उत्सव मना रहे हैं, जगह जगह यज्ञ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, दिन भर आज यही चल रहा है सारा असम में। तो ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी का बात है। जैसे एक बहुत बड़ा अध्याय का, खराब अध्याय का समाप्त होके एक नया आनंद का अध्याय शुरू हो रहा है। और ये शुरुआत ऐसा हो जैसे ये शुरुआत सबका जीवन में एक खुशी लाए, सारा देश में हर जनता का मन में एक खुशी लाए, आनंद लाए और देश में भी बहुत सारे परिवर्तन लाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसी आशा और उम्मीद का साथ आज का भूमि पूजन हमें सभी ने स्वीकार कर रहा हूँ। जय श्री राम।